तो फाइनली मोहन ने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, क्योंकि दिल्ली में उसने एक घर खरीद लिया। लेकिन इस पार्टी की एक खास बात यह है कि इसमें पहले तो सभी लोग मास्क लगा कर आएंगे, और ऊपर से मोहन ने अपने पड़ोसियों को भी बुलाया, यानी युग और राधिका दोनों आएंगे, और उनके आने से राधा जो है वो मोहन से मिलेगी भी और साथ में मोहन के साथ डांस भी करेगी। लेकिन फिर भी मोहन जो है वो राधा को नहीं पहचान पाएगा कि राधिका ही असली राधा है, लेकिन राधा मोहन को पहचान लेती है। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जब वो इतने साल बाद एक साथ मिलेंगे तो आसपास का माहौल कैसा होगा, और इस मास्क लगाने के पीछे असली जड़ जो है वो गुनगुन है। वो नहीं चाहती कि राधा मोहन फिर से मिले, इसीलिए उसने ऐसा किया।